किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 5985 आपके पास नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर आपको पिछले वीडियो में बताया है, इसे ज़रूर देखेंगे। और उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि ये इस नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है पढ़ने में ईजी हो, इसलिए लिखा जाता है। बड़ा से बड़ा नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है और उसको छोटा बना के लिखा जाता है ताकि उसको पढ़ने में आसान हो। और इसको लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार 10 लिखेंगे तो लेके देखिए चलते हैं इसको। 10 टू द पावर स्क्वायर, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, जो भी लिखेंगे तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे ये चलिए देखते हैं। 5.985 है। और दूसरा चीज कि किसी नंबर में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इस नंबर में पहले नंबर के बाद हमको डेसिमल बैठाना है, एक नंबर के बाद डेसिमल बैठाना है। तो क्या डेसिमल ऐसे ही बैठा देंगे किसी भी नंबर में? नहीं, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए यूज करना होगा 10 टू द पावर 3। डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 3 नंबर है। अगर इसको मान लीजिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 into 5985 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 10, 30 है। तो हम लोग डेसिमल हटाने के लिए 30 करते हैं, और फिर अगर इसको भी करेंगे, ये भी क्या है, 30 है, तो अगर कट जाएगा तो कितना आएगा, फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल देते हैं और 10 टू द पावर का यूज करते हैं, जितना भी नंबर हो। तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, इसलिए ये नंबर आपका इस तरह से होगा 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3। ये कैसे हुआ मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट इसी तरह लेके चलेंगे 3, 4, 3, 0, 0, 0, 0, मान लीजिए 4 नंबर है इस तरह से। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिखते हैं 3, 4, 3 इंटू, पहले तो 0 को इसको पावर इतना हटा लेते हैं, 0 का 4 होगा, 10 टू द पावर 3 इंटू 10, 1, 2, 3, 4, 10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल देना, तो एक नंबर के बाद हम लोग डेसिमल इसको दे दिए और यहाँ पे लिखे 10 टू द पावर 4। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे है, इसको भी हम ये अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ भी अगर 2 पावर हटाते हैं, 10 टू द पावर स्क्वायर करते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको डेसिमल का के बाद जो 2 नंबर है, इधर से इसको भी बढ़ाएंगे 3.43 इंटू 10 टू द पावर 6। डेसिमल के नीचे अगर 100 है और ये वाला था, देखिए मैंने बताया आपको, और 10 टू द पावर ये 6 हो गया, तो पहले बताया था हमने। अब इसको देखिए इसका आंसर क्या हुआ, 3.43 इंटू 10 टू द पावर 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। 3, 4, 3, 0, 0, 0, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 3.43 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो स्टूडेंट इसे लाइक ज़रूर करेंगे, इसे पूरा देखेंगे तभी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।